वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 10.4 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि सबसे पहले शो दैट, ठीक है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से कि ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इस चीज के बराबर हो, ठीक है ना। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स वैसे दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे इस बात का मतलब कि ए वैक्टर कुछ दिया हो और बी वैक्टर मतलब अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, जैसे कहने का मतलब इस तरीके से कि समझ लो कोई ए पहला वेक्टर ही है दूसरा वेक्टर ही है, सही है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट शो करना हो सकता है। लेकिन जो फोर्थ न्यूमेरिकल है वहां पर ऐसी बात नहीं है, सही है, तो मतलब यहां पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो जाएंगी, तो यहीं से सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को ना, मतलब जब ये शो दैट की बात आई, किसी एक साइड को लेके चलो, ठीक है ना, नॉर्मली हम उस साइड को लेके चलते हैं जिसमें मतलब जो मतलब लार्जेस्ट हो, ठीक है ना, वहां पर कैलकुलेशन करके ये चीज, या फिर इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। चलो दोनों तरीकों से सोल्व कर लेते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड ली कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ए माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए प्लस बी के साथ, सही है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई लो अप्लाई कर दो, या फिर डायरेक्ट क्या करो कि ए वेक्टर है इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दो अलग अलग, तब भी बात सही है। मतलब बीच में कुछ बातें लिखने की, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट यूज कर दो तब भी बात सही है, ठीक है ना। तो क्या करो, ए की मल्टीप्लाई, लेकिन बात आ जाती है वेक्टर में बात मल्टीप्लाई पर ही आ जाती है, मतलब प्रोडक्ट कौन सी, ये डॉट वाली या फिर क्रॉस वाली, ठीक है ना, बस इस तरीके से। यहां पर है क्रॉस तो यही सिंबल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ए की ए के साथ तो मल्टीप्लाई लेकिन क्रॉस वाली, ये चीज काम की है, सही है। दोनों प्लस के थे इसलिए, जैसे ये तो है, ये प्लस की टर्म आई, सही है, टर्म का मतलब बीच में प्लस माइनस साइन हो। दूसरा प्लस ए की मल्टीप्लाई प्लस बी के साथ, तो बीच में प्लस का साइन, इस तरीके से लिख लो ताकि ये मतलब प्लस और क्रॉस में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रैकेट लिख दोगे तो बेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद अभी ये कैलकुलेशन हमारे लिए भी आसान हो जाती है, ठीक है ना, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे इसी चीज में, ठीक है ना, फिर ए की बी के साथ कौन सी, क्रॉस वाली लिख दो, ठीक है, इस तरीके। फिर इसके बाद इसी तरीके से बी की दोनों के साथ लेकिन माइनस बी की, तो माइनस बी माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा इस तरीके से, और बी की ए के साथ लेकिन कौन सी, क्रॉस वाली, सही है, इस तरीके से। अब इसके बाद माइनस बी की बी के साथ, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और बी क्रॉस बी हो जाएगा, इस तरीके से, सही बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यहां पर यह बात भी बीच में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता कुछ इस तरीके से कि पहले की दोनों के साथ कर दी, ठीक है ना, बीच में एक और स्टेप है यहां पर, वैसे देखा जाए मतलब इस चीज का एक्चुअल में ये स्टेप है कि सबसे पहले ए वेक्टर की मल्टीप्लाई की कौन सी, क्रॉस वाली पूरे के साथ, इस तरीके से, सही है। फिर बीच में माइनस बी की, तो माइनस का साइन, बी की क्रॉस प्रोडक्ट पूरे के साथ, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अप्लाई लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिख दो तब भी बात सही है, ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाएगी कैलकुलेशन पर टोटली, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए समझना, अब इस चीज का मतलब है क्या, अब जैसे किस तरीके से ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी समझ लो, ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड आएगा फिर साइन थीटा, सही है, और उसकी डॉट मतलब एन कैप उसकी डायरेक्शन देगा, सही है। तो ए क्रॉस ए किसके बराबर हुआ, समझने के हिसाब से कोई ए वेक्टर इतना है, सही है, मान लो ए वेक्टर समझने के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से समझना चाहो ए और बी के बीच में, मतलब मान लो ए वेक्टर की तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ना, चलो ए से बी मान ली समझने के हिसाब से, तो दूसरा भी वही है, ये प्लस ये मतलब दूसरा भी वही है, मतलब थीटा बन चुका 0 डिग्री, सही है, साइन 0 0 होता है, मतलब ये चीज 0 के बराबर हो जाएगी, सही है। ये बार बार ये कह रहे ना हम प्लस ए, इसमें भी एक बात है एक, ठीक है ना, यहां पर दोनों की डायरेक्शन वही है, अगर माइनस ए होता है, मतलब एक चीज एक प्लस ए होता और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ए वाले के, मतलब इस तरीके ब्रैकेट लिख देना, ठीक है ना, इस तरीके से होता, उस केस में थीटा बन जाएगा 180 डिग्री, मतलब एक ही लाइन पर एक राइट हैंड साइड एक इस लेफ्ट हैंड साइड, कब, जब इस तरीके का केस हो, तो उस केस में 180 डिग्री बन जाएगा, दोनों माइनस क्यों, तब भी थीटा 0 डिग्री रहेगा, ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, और साइन 0 0 होता है इस तरीके से, ठीक है, और साइन 180 भी 0 होता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ठीक है ना, ये आप मतलब ये कैलकुलेशन वाली टेबल वैल्यू से पता, ठीक है ना, बार बार डिस्कस हो चुकी है, हम डायरेक्ट रिजल्ट की बात करेंगे, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है, तो 0। फिर ए क्रॉस बी थोड़े निकाल सकते हैं हम, ए क्रॉस बी मतलब इस तरीके का फॉर्मूला लिखने का कोई फायदा है नहीं, बी क्रॉस ए, लेकिन एक बात बताई थी कौन सी, कि जो ए क्रॉस बी
क्या b क्रॉस a के बराबर होता है? नहीं, किसी एक साइड माइनस साइन अप्लाई कर दो, सही है। और ये माइनस साइन क्यों आया था? अपोजिट डायरेक्शन, जब 10.4 का फर्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व किया था, बेसिक कंसेप्ट में बता चुके, वहां से चेक कर सकते हो या फिर वैसे पता होना चाहिए, सही है। ए इसका मतलब है ए से बी की तरफ चलना, जो पहले लिखा हो, इसका मतलब बी से ए की तरफ चलना, सही है। तो इस तरीके, इसलिए एक साइड माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके मतलब यहां पर ए क्रॉस बी लिखा है, इसको जैसे ये एज इट इज रख लिया, ए क्रॉस बी, सही है। इसको प्लस तभी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, बीच में ये बात लिख देना, सही है। कुछ इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब कुछ इस तरीके से लिखना चाहो, ठीक है ना। तो इस तरीके मतलब ये माइनस एक माइनस यहां पर, एक यहां पर था, इसलिए प्लस हो चुका है, और इसको ए क्रॉस बी कर दिया। और ये इसी तरीके से ए क्रॉस ए की तरह ये भी है बी क्रॉस बी, तो इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, कह सकते हो ना। ये बात यहां से जैसे इस चीज को डिफाइन किया था, तो इस तरीके से सही है, ठीक है ना। तो बस यहां पर ये जीरो लिखी ना लिखी बात बराबर, ए क्रॉस बी दोनों के कोफिशिएंट प्लस वन है, मतलब ए क्रॉस बी कॉमन आ जाएगा, और वन प्लस वन टू, कैलकुलेशन है, मतलब टू इंटू ए क्रॉस बी हो जाएगा, टू इंटू ए क्रॉस बी, तो इस तरीके से। और यही राइट हैंड साइड थी, तो इस तरीके से प्रूव करना था रिजल्ट, देख लो, सही है। जो भी रिजल्ट चेक करना हो, जब ये प्रूव वाले न्यूमेरिकल हो ना, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वहां पर रिजल्ट से मतलब रखा करो, ठीक है ना। जो रिजल्ट है कहां तक पहुंचना, मतलब किसको चेंज करना था, हो सकता था इसको चेंज करना पड़ जाए, मतलब यही रिजल्ट माइनस टू बी करो से भी तो हो सकता, वो मतलब रिजल्ट के ऊपर नजर रखा करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने आप मतलब पता चलता रहेगा कहां पहुंचना, ठीक है ना। इसी तरीके से राइट हैंड साइड लेके चल सकते हो, मतलब टू ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, टू की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, सही है, टू की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, मतलब या फिर लेकिन टू मतलब एक तो ये लिखो टू इन टू, मतलब टू की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई कब होती है, जब ये बात बीच में, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कब है, जब ये टर्म वाली बात हो, सही है। तो टू की मल्टीप्लाई ये थोड़ी ना दोनों के साथ कैसे हो जाएगी, दोनों तो तब होंगे ना जब बीच में प्लस और माइनस साइन हो, दोनों का मतलब है टर्म, और टर्म पता चलती है बीच में माइनस साइन से, प्लस और माइनस साइन से, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो यहां पर मत अप्लाई कर देना ये चीज, ठीक है ना। मतलब वैसे लिख सकते हो टू की मल्टीप्लाई ए के साथ, फिर टू की मल्टीप्लाई बी के साथ, और दोनों ही फिर से मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन ये बेसिक प्रोबेबिलिटी चेक कर लेना, ठीक है ना। मतलब 3 × 4 × 2 लिखाओ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, दो बार थोड़ी ना हो जाएगी, मतलब ये मल्टीप्लाई का तो एक वही बात है 2 × 3 × 4 = 24, ठीक है ना। ये थोड़ी ना कि 2 की मल्टीप्लाई एक बार 3 के साथ कर दी, एक बार 4 के साथ, और उसकी फिर मल्टीप्लाई, 2 एक ही बार है, ठीक है ना। ये बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये बात यहां से भी कह सकते हो टर्म वाली बात से, कैलकुलेशन मतलब, तो मतलब ये 2 × a क्रॉस b को क्या लिख सकते हो, उल्टे चलो फिर तो, मतलब a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b लिख सकते हो, सही है। फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा फिर, अगर ये मतलब छोटी चीज लेके चल रहे हो तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर उसके बाद हमें पहुंचना यहां तक, a माइनस b क्रॉस a प्लस b तक, मतलब a माइनस a प्लस b तो दिखेगा, ए प्लस बी भी दिखेगा शुरू में तो, ठीक है ना। तो a माइनस b कब आएगा फिर सोचना पड़ेगा, तो इस तरीके से, सही है। मतलब इसमें ये पता होना चाहिए ना, इनकी मल्टीप्लाई चार टर्म आएंगे, बात तो ये भी है। कैसे पता चली? इस ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है, इस वजह से, तो इसलिए चार टर्म। हमारा यहां से लेके चलेंगे दो टर्म, मतलब दो लानी पड़ेगी, मतलब दो नहीं है तो जीरो लेके चलो, तो इस तरीके, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए हम मैक्सिमम टाइम ये चीज लेके चलते हैं जिस साइड मतलब ज्यादा लेंथ हो, इस तरीके से कह दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद कुछ इस तरीके से कि लैम्डा और म्यू निकालने, मतलब दो वेरिएबल है, सही है, हमें थोड़ी पता कितनी वैल्यू है, ठीक है ना। इफ मतलब कंडीशन गिवन है, पहले ये वेक्टर नजर आना चाहिए हमें तभी, ठीक है ना। एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अब कई बार ये यहां पर इस तरीके से लिखा हो सकता है, न्यूमेरिकल भी गलत हो सकता है, ठीक है ना। मतलब हमें पता होना चाहिए दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आता है, तो यहां पर ये वेक्टर मायने रखता है, ठीक है ना। और जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। तो सबसे पहले क्या करो, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, सही है। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दे, इसको ए मान लिया, बी मान लिया, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट मतलब फिफ्थ न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। किस तरीके से कि ए क्रॉस बी, फिर बीच में कह देना मतलब सबसे पहले कि लेट ए वेक्टर दिस बी वेक्टर दिस, ठीक है ना। और ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आएगा, वेक्टर का मतलब उसके अंदर आई कैप जे कैप के कैप नजर आएंगे, सही है, इस तरीके से। और इसके बाद जो पहले लिखा हो, सही है, उसके कोफिशियंट लिखो 2, 6 और 27, सही है। और उसके बाद 1 लैम्डा और म्यू, अपनी तरफ से ये चीज मतलब ये चीज ऊपर मत लिख देना यहां पर सेकंड रो में, क्यों?
ये भी तो डिफरेंस आएगा ना, मतलब ए क्रॉस बी ये प्रॉपर्टी सही है, ठीक है ना, ये बात बताओ नीचे अपनी तरफ से, ये चेंज मत कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके मतलब इसके बाद एक्सपेंड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे आर वन से, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के कुछ मल्टीपल में आएगी, क्या वैल्यू आएगी इसकी, रो और कॉलम भूल जाओ, मतलब इनके आपस में मल्टीप्लाई 6 में हो, माइनस साइन जब नीचे से ऊपर जाओगे 27 लैम्डा, जो भी कैलकुलेशन हो, फिर जे कैप के मल्टीप्लाई में कुछ आएगा क्या कि इसकी रो और कॉलम भूल जाओ, मतलब 2 इंटू म्यू, माइनस साइन जब नीचे से ऊपर जाओगे 1 इंटू 27, फिर के कैप के मल्टीप्लाई में कुछ आएगा क्या वैल्यू आएगी, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, इनके आपस में मल्टीप्लाई 2 लैम्डा, माइनस साइन जब नीचे से ऊपर जाओगे 1 इंटू 6, कैलकुलेशन है। और फिर अल्टरनेट साइन वाली आर वन में ये थी, जैसे प्लस माइनस प्लस है इस तरीके से साइन थे, ठीक है ना, मतलब ये वाली लाइन, ठीक है ना, तो प्लस माइनस बीच में यहां पर प्लस, ठीक है ना, तो बस इसके बाद कैलकुलेशन, तो कितना हो जाए 6 म्यू माइनस जो भी यहां पर एजीटी रिजल्ट रहेंगे, सही है। इसके बाद जीरो वेक्टर का ये मतलब, और उसके बाद इस वेक्टर का रिजल्ट ये है, और ये जीरो वेक्टर की होना, इसको मतलब कंपेयर कर लेना, जीरो आई प्लस जीरो जी प्लस जीरो की, मतलब दो वेक्टर इक्वल हैं, सही है। तो इक्वल कब होंगे, अब दो वेक्टर इक्वल होते हैं, वैसे डेफिनेशन तो ये है इक्वल वेक्टर की, कि सेम डायरेक्शन हो दोनों वेक्टरों की। उसके बाद सेम डायरेक्शन का मतलब होता है ये प्लस आई का प्लस जे प्लस के, तो यहां पर भी यही लाना पड़ेगा, प्लस जे होना चाहिए, तो प्लस जे मतलब एक माइनस अंतर भेज दो, तो इस तरीके सेम डायरेक्शन का ये मतलब है। और उसके बाद इक्वल मैग्नीट्यूड, सही है। तो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड वाली बात अप्लाई की, मतलब जीरो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, और यहां से मैग्नीट्यूड निकालना भी, मतलब केवल एक इक्वेशन आएगी, ठीक है ना, चेक भी कर सकते हो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, कि स्क्वेयर रूट के अंदर पहले के कोफिशियंट का होल स्क्वेयर, मतलब आई कैप के इस तरीके फिर से भी इक्वल ऐड करना, इस तरीके से वहां से सिर्फ एक इक्वेशन आएंगे, लेकिन वेरिएबल दो नजर आएंगे, कौन कौन से, लैम्डा और म्यू, सही बात है। और एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जितनी जितने वेरिएबल सोल्व करने हैं, मतलब दो हैं, तो कम से कम दो ही इक्वेशन चाहिए तभी सोल्व कर पाओगे, मतलब इस चीज का फायदा कोई है नहीं, सही है। लेकिन इसके बाद इक्वल मैग्नीट्यूड, एक बात हमने ये भी कही थी कि अपनी अपनी एक्सिस पर, तो अपनी अपनी एक्सिस पर कंपेयर कर दो, मतलब 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा जीरो के बराबर हो जाएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा जीरो के बराबर, एक तो ये चीज। फिर जे कैप मतलब माइनस 2 म्यू प्लस 27 इस तरीके से जीरो के बराबर, सही है, इस वाली जीरो के। फिर के कैप का जो मतलब प्लस का होना चाहिए, इसलिए यहां पर प्लस का बनाना पड़ा, सही है। और 2 लैम्डा माइनस 6 जीरो के बराबर, कोफिशियंट कंपेयर करने, तो इस तरीके से फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल दो, सही है। अब चोई से कहां से निकालना चाहते हो, एक म्यू की यहां से आ जाएगी, लैम्डा की यहां से, सही है, यहां से भी निकाल सकते, मतलब किसी दो का यूज करके वैल्यू निकाल देना, इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है ना। तो चलो यहां पर लैम्डा वैल्यू क्या आएगी, ये सबसे पहले उस साइड जाएगा माइनस 6 तो प्लस 6, ठीक है ना, और ये इनटू में फिर डिवाइड में, मतलब 6/2, तो लैम्डा वैल्यू आ जाएगी 3, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब ये चोइस है कहां से लैम्डा की, मतलब यहां से म्यू की वैल्यू डायरेक्ट भी निकल जाएगी, कितनी, ये सबसे पहले राइट हैंड साइड माइनस 27 और इसको माइनस 2 से डिवाइड करोगे, मतलब म्यू हो जाएगा 27/2, कहीं से भी निकाल सकते हो, या फिर हो सकता है कि लैम्डा वैल्यू यहां पर पुट करके निकालना चाहो, बात वही रहेगी। तो इस तरह मतलब कैलकुलेशन, टोटली हर चीज का मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर लगेगी, इस तरीके कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।